2021 कहता है कि आने वाले समय में प्रीपेड बिजली हमको लेना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में हम बैलेंस डलाते हैं, पहले पैसा देते हैं तब बैलेंस मिलता है। आने वाले समय में सरकार ये कानून लेकर आ रही है, पहले पैसा दीजिए तब आपको बिजली मिलेगी। तो ये इतनी महंगी बिजली हो जाएगी कि आम आदमी बिजली का उपभोग नहीं कर पाएगा। को लगता है एक समय कि बिजली दिल्ली सरकार बहुत अच्छा कर रही है, हम तो चाहते हैं पूरे देश में बिजली का रेट कम हो, लेकिन केजरीवाल सरकार आज निजीकरण का विरोध नहीं कर रही है, प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे। आज वो चुनाव के लिए या किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए लोक लुभावन नारे देते हैं, कुछ काम भी करते हैं, लेकिन एक समय बाद जब निजीकरण होगा तो यही बिजली एनरॉन ने एक समय महाराष्ट्र के अंदर 10 रुपये यूनिट 9 रुपये यूनिट दी थी, वैसे ही निजीकरण होने के बाद दिल्ली के लोगों को भी 9 रुपये 10 रुपये 11 रुपये यूनिट बिजली मिलेगी। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम मौजूद है जंतर मंतर के पास, जहां पे यहां मेरे पीछे देखोगे तो पार्लियामेंट मार्च, आज काफ़ी लोग आए यहां पे जो कि अपने किसी मुद्दे हैं इलेक्ट्रिक बिल को लेके। जैसे कि आप देख सकते हो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिक कंज्यूमर एसोसिएट, इसी टाइप का यहां के लोग हैं, यहां से बात करेंगे कि अगर आखिर इनका मुद्दा क्या है, ये सरकार से क्या चाहते हैं, केंद्रीय सरकार को ये क्यों घेरे हुए हैं, कौन सी चीज़ें हैं, और बिजली बिल का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इनको खटक रहा है। तो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, बने रहें आप युवा की आवाज़ के साथ। सर, जैसे कि मैंने देखा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली बिल को लेके, तो क्या प्रॉपर हमें हमारी जनता को आप समझाएं कि आपके मुद्दे क्या हैं। आज मूल रूप से हम इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार बिजली एक्ट 2021 लेकर आई है। बिजली एक्ट 2021 कहता है कि आने वाले समय में प्रीपेड बिजली हमको लेना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में हम बैलेंस डलाते हैं, पहले पैसा देते हैं तब बैलेंस मिलता है। आने वाले समय में सरकार ये कानून लेकर आ रही है, पहले पैसा दीजिए तब आपको बिजली मिलेगी। तो ये इतनी महंगी बिजली हो जाएगी कि आम आदमी बिजली का उपभोग नहीं कर पाएगा। सरकार की योजना है कि बिजली अडानी अंबानी गोयनका को बेच दी जाए, टोरेंट को बेच दी जाए, और उसी का नतीजा हो रहा है कि महंगी बिजली के बिल आ रहे हैं। हम लोग इस बात का विरोध पूरे देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं कि महंगी बिजली देना बंद करो, बिजली का निजीकरण बंद करो। जब भी निजीकरण हुआ है देश को नुकसान हुआ है। आपने देखा शिक्षा का निजीकरण हुआ, उसका नतीजा कि आज बच्चों को डोनेशन फीस 2 लाख रुपये देना पड़ रहा है, साल भर की फीस 1-1 लाख रुपये लग रही है। जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा जनता का नुकसान होगा, और सरकार बिजली का भी निजीकरण करने जा रही है। इसलिए ऑल इंडिया पावर मैंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कंज्यूमर एसोसिएशन है, पूरे देश में हम लोग विरोध कर रहे हैं कि बिजली का निजीकरण रोको और 2021 बिजली एक्ट को वापस लो। सर, पहले बिजली की बात करें तो पहले से तो अब बहुत अच्छा है, फिर भी पहले आप जैसे दिल्ली में तो फ्री है, और लगे पंजाब में भी दिल्ली सरकार तो अच्छा कर ही रही है। हमको लगता है एक समय कि बिजली दिल्ली सरकार बहुत अच्छा कर रही है, हम तो चाहते हैं पूरे देश में बिजली का रेट कम हो, लेकिन केजरीवाल सरकार आज निजीकरण का विरोध नहीं कर रही है, प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे। आज वो चुनाव के लिए या किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए लोक लुभावन नारे देते हैं, कुछ काम भी करते हैं, लेकिन एक समय बाद जब निजीकरण होगा तो यही बिजली एनरॉन ने एक समय महाराष्ट्र के अंदर 10 रुपये यूनिट 9 रुपये यूनिट दी थी, वैसे ही निजीकरण होने के बाद दिल्ली के लोगों को भी 9 रुपये 10 रुपये 11 रुपये यूनिट बिजली मिलेगी। इसलिए मूल लड़ाई है निजीकरण के खिलाफ। केजरीवाल सरकार एक बार बोलें कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वो इस बात को नहीं बोल रहे हैं। वो केवल चुनाव के लिए बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली दे रहे हैं। मूल लड़ाई है निजीकरण के खिलाफ। निजीकरण रुकेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो सर, निजीकरण को चलाने के लिए आप सोल्यूशन दीजिए सरकार को, आपके पास सोल्यूशन है? सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपकी दिल्ली के अंदर, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सरकार 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा बनाती है, पैसे की कोई कमी है? 3,000 करोड़ रुपए की सरदार पटेल की मूर्ति बना रही है सरकार। सरदार पटेल भी होते तो गुस्सा करते कि मेरे नाम पर 3,000 करोड़ की मूर्ति क्यों बना रहे हो। सरकार पैसा बचा सकती है, सांसदों के वेतन भत्ते कम करे सरकार, उससे जनता को सुविधाएं दी जा सकती है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उनको पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। इसलिए मूल लड़ाई है कि जनता को सुविधा सरकार को देना पड़ेगा, और वो तभी मिल सकेगी जब सरकार हमारे देश के सार्वजनिक उपक्रम जो जनता के पैसे से खड़े हुए हैं, हमारे देश का रेलवे स्टेशन किसी पूंजीपति ने नहीं बनाया, हमारे देश की जो पावर सेक्टर की जितनी लाइन बिछी है, जितना सिस्टम डेवलप हुआ है आज़ादी के बाद 1951 से, आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। जब तैयार हो गया जनता के पैसे से, टैक्स से, उसको अडानी को दे रहे हो, अंबानी को दे रहे हो, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं।
कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, जनता के पैसे से ये उपक्रम खड़े हुए हैं, सरकार जिम्मेदारी ले और सरकार जनता को सस्ती और सर्वसुलभ बिजली उपलब्ध कराए। सर आपसे आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जैसे कि पहले की बात करूँ तो पहले बिजली की बहुत चोरी होती थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो गई है। हमारा ये कहना है ये चोरी चोरी की बात सरकार जो करती है ना, इसमें हमने भी एक डेटा निकाला है, 12% बिजली की चोरी कई बस्तियों में मिलाकर होती है और हमारे देश के अंदर 79% बिजली इंडस्ट्री में चोरी होती है। इंडस्ट्री को क्यों नहीं पकड़ रहे, आम जनता को पकड़ रहे हैं जो दिखाई दे रही है। तो बिजली आप सस्ती कर दीजिए, कोई चोरी नहीं करेगा। बिजली चोरी इसलिए लोग कर रहे हैं, हम चोरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है बिजली को सस्ता दीजिए, कोई चोरी नहीं करेगा। ट्रेन के डिब्बों में जब ज़्यादा जगह होगी तो कोई टीसी को पैसा देकर सीट नहीं मांगेगा। जब जनता को आप सुविधा देंगे तो चोरी कोई नहीं करेगा। हवा के लिए कोई चोरी नहीं हो रही क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा है, कोई नहीं कह रहा कि मेरे को ज़्यादा ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा है, तो कोई चोरी नहीं करेगा। पानी अगर आप कम कर देंगे, पानी को व्यापार बनाएंगे, तो लोगों को मजबूरी में 20 रुपये देकर पानी लेना पड़ेगा, पानी की चोरी भी करना पड़ेगा। हम चोरी को जायज़ नहीं ठहरा रहे, लेकिन ये सरकार की नीति का नतीजा है कि सरकार बिजली को सस्ती उपलब्ध कराए तो कोई चोरी नहीं करेगा, हमारा दावा है। तो सर लास्ट सवाल है, तो आपका जो ये धरना विरोध प्रदर्शन है ये कब तक और जारी रहेगा फिर? आज हम पूरे देश के कोने कोने से आए, बंगाल से लेकर उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सभी जगह के प्रतिनिधि साथी, गुजरात के साथी भी हमारे साथ शामिल हैं। पूरे देश के साथी इसलिए आए हैं कि यहाँ पर हम एक फैसला ले रहे हैं, सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि आज हम आपसे मांग कर रहे हैं कि बिजली एक्ट 2021 वापस लो। अगर ये मांगे नहीं मानी तो हर राज्य के अंदर जाकर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और बड़े पैमाने पर दिल्ली में दोबारा आकर घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। आगे लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू सर।